तो हवे नजर करसू आगळना समाचारो पर। आगळना समाचारमां छे गांधीनगर आरोग्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेले राज्यना 12 થી 14 વર્ષની વયના બાળકો માટે ગાંધીનગર સેક્ટર 24ના અર્બન હેલ્થ સેન્ટરથી કોરોના રસીકરણ અભિયાનનો શુભારંભ કરાવ્યો છે। તદુપરાંત 60થી વધુ વયના તમામ લોકો માટે પ્રિકોશન ડોઝનો પણ મંત્રીશ્રીએ આરંભ કરાવ્યો છે। ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં સ્વદેશી વેક્સિન બનાવી તેમ પણ બાળકો માટે ગણતરીના મહિનાઓમાં વેક્સિન ઉપલબ્ધ કરાવીને વૈશ્વિક સ્તરે ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોની સંશોધન શક્તિનો પરચો કરાવ્યો છે। તેમ મંત્રીશ્રીએ ભારપૂર્વક કહ્યું કે 12 થી 14 વર્ષની વયના બાળકો માટે આરંભ કરાયેલા રાજ્યવ્યાપી કોરોના રસીકરણ મહાઅભિયાનમાં અંતર્ગત રાજ્યના 22 લાખથી વધુ બાળકોને 2000થી વધુ કેન્દ્રો પર વેક્સિનેટ કરાવવાની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે આરંભવામાં આવી છે, જેમાં 2500થી વધુ વેક્સિન સેન્ટર રાજ્યના બાળકોને વેક્સિનેટ કરવાની કામગીરી હાથ ધરશે। सबसे सवाल पूछा जा रहा था कि बच्चों को वैक्सीनेशन कब दिया जाएगा, बच्चों को ये संक्रमण से कैसे बचाया जाएगा, ये क्वेश्चन बार बार अपने देश में उठ रहा था, गुजरात में भी उठ रहा था। लेकिन वैक्सीनेशन के पूरे उत्पादन और उसको पहुंचाने के लिए जो पूरी व्यवस्था होने के बाद 15 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए और अब 12 से 14 वर्ष के बीच के वो कॉर्बेवैक्स ये वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है क्रमशः तबक्का वाइज 1 by 1 सभी बच्चों को भी उसमें ले लिया गया है और अब बाकी के बच्चों के लिए भी पीएम साहब बहुत संभल के वो चल रहे हैं और सभी देश के हर प्रत्येक व्यक्ति को बच्चों के साथ वैक्सीनेशन का ये ड्राइव पूरे देश में चल रहा है, अपने गुजरात में भी हमने चल रहा है। आज देश में 12 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। खास करके अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 23 लाख से भी ज़्यादा जो है बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी जो वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पे जो है बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। गांधीनगर में है ये वैक्सीनेशन सेंटर, यहाँ पर एक बच्चा है उसने जो है वैक्सीन लगाई हुई है, हम उनसे बात करें। क्या नाम है भैया? राम पंचोली। सर अब 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों का जो वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, आपने वैक्सीन लिया, कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है थोड़ा। क्या मानना है आपका कि जो 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों का जो वैक्सीनेशन शुरू किया गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ऐसा ही कहना चाहूँगा कि सब बच्चे जल्दी से ले लें और ये कोरोना जल्दी से ख़त्म हो जाए। ऑफलाइन स्कूल्स भी स्टार्ट हो गई है तो वो भी बहुत अच्छा कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो जिस तरह से 12 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनका जो वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। गुजरात की बात करें अगर तो गुजरात में अंदाजित 2000 से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए गए हैं। साथ ही में जो है यहाँ पे 2500 जितने 2500 जितने जो है वैक्सीनेटर्स जो है ये इसकी कामगिरी में जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टाफ है वो पूरा मास्क के साथ जो है लगा हुआ है, जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन यहाँ दी जा रही है। साथ ही साथ उनको जो है अगर बुखार या कुछ आता है तो उसके लिए दवाई भी उनको जो है वो दी जाती है। जतिन रावल, इंडिया न्यूज़, गांधीनगर।